हाल चाल है आपके? वेलकम टू माय चैनल सिद्रा फूड एंड व्लॉग्स। तो जनाब, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और सबके घर की पसंदीदा डिश आलू गोश्त लेके आई हूँ आप सबके लिए। और मुझे यकीन है कि जैसे आप लोग मुझे कमेंट में बताते हैं, आपको मेरी ये पहले वाली वीडियोज़ बहुत पसंद आई, इंशाल्लाह मेरी ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो मैं आज आपके लिए बना रही हूँ देगी स्टाइल में, यानी कि आपको देग का फ्लेवर आएगा, ऐसे लगेगा जैसे आप किसी शादी ब्याह का खाना खा रहे हैं। मैं उस फ्लेवर में आपके लिए आलू गोश्त बना रही हूँ। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट, मैं साथ में आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताती रहूँगी। तो मैंने ये लिया है तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है गोश्त और एक किलो से कम है, ठीक है, यानी कि 700 ग्राम तकरीबन ये गोश्त है। इसके लिए मैंने लिए हैं दो मीडियम साइज़ के प्याज, ठीक है, इनको मैंने ऐसे कट कर लिया है। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच खाने के बनते हैं। और ये है दही। बाकी का सामान जैसे जैसे मैं ऐड करती जाऊँगी मैं आपको बताती जाऊँगी। ये जी फ्लेम ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1/2 कप ऑयल, और इसमें हम डाल देंगे ये प्याज और इनको ब्राउन करेंगे। ब्राउन मीन्स गोल्डन करेंगे इनको। जी फ्रेंड्स, ये देखें ये प्याज जो है गोल्डन होना शुरू हो गए हैं, इस तरह से ये थोड़े से और गोल्डन शेड में जाएंगे तो मैं इनको इस ऑयल में से निकाल लूँगी। जी ये देखें कि गोल्डन हो गए और मैं अब इनको रिमूव करने लगी हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने इसमें से सारे प्याज रिमूव कर लिए हैं, ऑयल में से निकाल लिए हैं। और अब इसी ऑयल में मैं जो गोश्त था हमारा वो डाल दूंगी। आलू गोश्त में गोश्त की जो बोटी है वो थोड़ी सी बड़ी हो तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है, आप नॉर्मल से थोड़ी सी बड़ी रखें, नॉर्मल गोश्त से थोड़ी सी बड़ी बोटी है। जी ये देखें गोश्त की ये इस टाइम इसकी शक्ल हो गई है, ठीक है, हल्का से इसने अपना कलर चेंज कर लिया है, पानी इसका ड्राई हो गया है सारा, ये देखें गोल्डन हो गया है साइड से। तो इस जगह पे मैं आके इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बनाया था वो ये देखिए जनाब, लहसुन अदरक जो है इसके साथ गोश्त को मैं थोड़ा सा भून रही हूँ, लहसुन का कलर और अदरक का कलर बिल्कुल चेंज हो गया। अच्छा, मैंने लहसुन और अदरक में तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें भी डाली थी जो मैंने पीस ली थी, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले भी कि मैं लाल मिर्च बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ और हरी मिर्चों का इस्तेमाल खाने में थोड़ा ज़्यादा करती हूँ। तो ये मैंने हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक का पेस्ट जो था उसको मैंने डाल दिया और अब वो इसके साथ फ्राई हो रहा है। तो इस जगह पर मैं आके अब इसमें डाल दूँगी जीरा, जो मैंने आपको बताया था मैंने 1 टीस्पून लिया है। नमक 1 टीस्पून और ये 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और दालचीनी, ये भी मैंने डाल दी। देखिए किस कदर खूबसूरत कलर इसका आ रहा है माशाल्लाह। और ये है वो बादियान का फूल और 4 से 5 लौंग। आप चाहें तो इन मसालों को किसी भी फॉर्म में भी डाल सकते हैं और इस तरह से भी डाल सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी, वन टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1.5 टीस्पून मिर्च, और ये 1/2 कप दही तो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर मैंने हल्का सा पानी ऐड कर लिया और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, मैंने इसको भूने अच्छे से। जी फ्रेंड्स ये देखें जनाब, हमने इन सब चीज़ों को डाला था जो उसके साथ मैं गोश्त को अच्छे से भून रही हूँ, ये देखें। अच्छा, इस जगह पे आके
मैंने जो प्याज निकाले थे ब्राउन करके वो, और जो टमाटर था उसका मैंने पेस्ट बना लिया, उसके ग्रेवी बन गई है। अब इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जी फ्रेंड्स, ये देखिए जो मैंने प्याज और टमाटर ब्लेंड किया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब आप इसको थोड़ा सा भूनें और उसको इसके बाद इसमें आप पानी लगा दें और प्रेशर को बंद कर दें ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी और इसमें मैं तकरीबन हाफ कप या एक कप के करीब पानी डालूंगी, क्योंकि गोश्त बहुत अच्छा था, नरम गोश्त था, मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आप लगा के देख लें एक कप, उसके बाद आप ट्राई करें 10-15 मिनट के बाद, अगर नहीं गलता तो आप दोबारा से भी प्रेशर को ऑन कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, ये मैं प्रेशर को थोड़ी देर नहीं, गोश्त को थोड़ी देर प्रेशर पे लगा रही हूँ। जैसे ये गलेगा फिर मिलती हूँ आपके साथ दोबारा से। जी फ्रेंड्स, तो मैं अब इसको प्रेशर को खोल के देखती हूँ। ये देखें जनाब, सारा पानी ड्राई हो चुका है और अब मैंने इसके अंदर करने हैं ऐड आलू जो मैंने छील के रखे हैं। ये मैंने तकरीबन आधा किलो आलू लिए हैं। आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। मेरे बच्चों को ज़रा आलू ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं ये इस तरह से छोटे छोटे पीस काट के इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत लजीज खुशबू है। आप फैमिली के लिए बनाएं, बहुत खुश होंगे, सबको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, चलिए यहाँ पे मैं इसके अंदर थोड़ी सी, बिल्कुल तकरीबन एक खाने का चम्मच मेथी ऐड करूँगी, सूखी मेथी। अगर है तो लाजमी ऐड कर लें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अब इसको भूने अच्छे से, आलू और गोश्त को इकट्ठा थोड़ी देर के लिए भूने, अच्छे से भुनाई करें इसकी। गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है, ये देखें। बस मुझे थोड़े से आलू को गलाना है और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। गोश्त गल गया है, बस आलू को थोड़ा सा इसके साथ भूनेंगे। जी फ्रेंड्स, ये देखिए मज़ेदार सी शक्कर आलू गोश्त की मैंने के थोड़ी सी 2-3 हरी मिर्चें डाल दी हैं इसके अंदर, और ये थोड़ा सा बारीक कटा हुआ दिमाग में रखना है, धनिया डाल दिया है। और अब ये बिल्कुल रेडी है कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँ, क्योंकि आलू अच्छे से भून चुके हैं और गोश्त भी, चूँकि मैंने पहले भी इसको भून लिया था तो अब भी ज़बरदस्त हो गया है। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, जितना हमें शोरबा चाहिए। मैं इसके अंदर करने लगी हूँ तकरीबन 1/2 glass वाटर। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और लजीज शक्ल। जी वेलकम बैक मेरे फ्रेंड्स, ये देखिए जनाब, अब मैं चेक करती हूँ आलू की क्या पोजीशन है, आलू गले हैं कि नहीं गले हैं। तो ये देखिए जनाब, बेहतरीन आलू गल चुके हैं और अब मैं इसको सर्व करती हूँ आपके सामने। माशाल्लाह खूबसूरत शक्ल है। अब मैं इसको जब सर्व करूँगी तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट सर्विंग पे। जी जनाब, तो ये मैंने सर्व कर दिया है, बहुत मज़ेदार आलू गोश्त, देगी आलू गोश्त। आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, इसकी रेसिपी आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। हमेशा फिर आपके साथ मुलाकात होगी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल सिद्रा फूड एंड ब्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।
सब लोग, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा फूड्स एंड ब्लॉग्स। आप सबका अपना किचन। आज मैं आप सबके लिए बहुत मज़ेदार एक रेसिपी के साथ आई हूँ। जी जनाब, आज मैं आप सबके लिए बनाऊँगी आलू के पराठे। जी, ये तो सुनते ही सबके मुँह में पानी आ जाता है। तो ये मेरे पास आलू है, इनको मैंने बॉयल कर लिया है। ये तकरीबन 1 किलो आलू है, ठीक है। और मैं अब आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जो मैंने इसमें ऐड करने हैं। ये है लाल मिर्च, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है। आधा चम्मच नमक है, 1 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच एक खाने का चम्मच जीरा है, और 1 ही खाने का चम्मच साबुत धनिया है। और ये मैंने थोड़ी सी मेथी ली है, ये तकरीबन 1/2 टेबलस्पून बनती है, यानी कि 1 टीस्पून बनती है। और ये मैंने रखी है इमली, क्योंकि आलू के पराठे सादे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके साथ 2-3 चटनियाँ बनाती हूँ मैं। उनमें से 2 चटनियाँ मैं बना रही हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो है इमली और प्याज की चटनी। उसके लिए मैंने ये थोड़ी सी इमली ली है और इसको मैंने पानी में भिगो दिया है। और इसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने प्याज है जो आप चॉप भी कर सकते हैं और श्रेड भी कर सकते हैं, मैंने श्रेड किए हैं। और मतलब अगर आपको ज़्यादा प्याज पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें, वरना थोड़ी सी क्वांटिटी में, यानी 1 प्याज, मैंने ये 2 प्याज श्रेड किए हैं। और आलू के पराठे के अंदर डालने के लिए ये मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है, ये 4 हरी मिर्चें हैं जो मैंने काट ली हैं, और ये पुदीना और हरी मिर्च जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये भी मैंने चटनी के लिए रखी है। इसमें से कुछ चटनी में, कुछ इमली की चटनी में मिर्चें जाएंगी, और कुछ दही की ग्रीन चटनी बनाऊंगी मैं उसके अंदर जाएंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। जी, आलू इस तरह से मैश कर लें आप अच्छे से बॉयल करके, उनको मैश कर लें। जी फ्रेंड्स, आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब मैं इनके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून नमक। इसको आप मतलब अपने टेस्ट के मुताबिक बढ़ा सकते हैं, मिर्चों को भी बढ़ा सकते हैं। और 1 टेबलस्पून ही लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून ये सूखी मेथी है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी, वो है अनारदाना, ये भी आप लाजमी ऐड कर लें, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा सा आ जाता है। ये मैंने 1 टेबलस्पून लिए हैं। और ये 4 जो मिर्चें मैंने काट के रखी थी बारीक, उनको ऐड करेंगे। धनिया तकरीबन 1 कप बनता है ये, इसको हम ऐड करेंगे। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। जी फ्रेंड्स, ये सारा मसाला मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है। अच्छा, आप इस स्टेज पे आके नमक मिर्च जो है उसको टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, मैंने भी टेस्ट किया है। तो मुझे जितना मसाला तेज चाहिए था, ये उतना बिल्कुल परफेक्ट है। जी फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आलू मैंने बना लिए हैं, बना के मैंने ये साइड पे रख दिए हैं। और जो इमली मैंने भिगोई थी, तो उसका गूदा जो है वो मैंने इस तरह से छान लिया है सारा, और उसका ये मैंने पानी निकाल लिया है। ये थोड़ा थिक सा होगा अगर ज़्यादा देर इमली भीगेगी तो। आटा मैंने गूंद लिया है, आटा भी मैंने निकाल के रख लिया है जिससे मैं पराठे बनाऊंगी। अच्छा, अब मैंने चटनी का प्रोसेस स्टार्ट करना है, क्योंकि पराठे गर्मा गर्म बनते जाएंगे और सब खाते जाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये तकरीबन 3 हरी मिर्चें हैं जो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट ली हैं। इमली चूँकि खट्टी होती है तो इसमें नमक का भी इस्तेमाल करना चाहिए, वरना नमक ज़्यादा तेज लगने लगता है। मैंने ये जो प्याज कट किए हैं और जो हरी मिर्चें मैंने काटी हैं, इनको हम इमली में ऐड कर देंगे, इमली के पानी में ऐड कर दें। 1/4 सॉल्ट है बिल्कुल, ये 2-3 पिंच ही बनती हैं, ज़्यादा नहीं है, इसको ऐड किया मैंने। 1/2 टीस्पून ये चिली फ्लेक्स, यानी कि लाल मिर्च जो है वो यूज़ करी है मैंने। मज़ेदार इमली की चटनी पराठों के साथ बहुत मज़ेदार लगेगी, आप खाएं। जी फ्रेंड्स, ये है मेरी दूसरी चटनी जो है कि दही का रायता। इसके लिए मैंने धनिया लिया है थोड़ा सा, यानी कि 1/2 कप धनिया था, 1/2 कप पुदीना था, 3 से 4 हरी मिर्चें थी, और 3 से 4 जवे मैंने इसमें लहसुन के डाले हैं, और थोड़ा सा नमक डाला था। हस्बे जायका, हस्बे पसंद आप डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही।
करते थे फ्रैंकलिन। जी फ्रेंड्स, इस तरह से दो छोटी छोटी रोटी बना लें। नॉर्मली एक पेड़े से भी बन जाता है, लेकिन मुझे ज़रा ये ज़्यादा इजी लगता है। एक पेड़े वाला भी मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो दो छोटी छोटी रोटियाँ बनाएं, इस तरह से बेलें इसको। और अब आपने ये जो आलू बना के रखे हैं इनको ऐड कर दें। भर भर के आलू डालें ताकि अच्छा सा टेस्ट आए। मेरे तो बनाते बनाते मुंह में पानी आ रहा है कि कब बनेंगे और कब मैं खाऊंगी। तवा मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। जी फ्रेंड्स, जी गर्मा गर्म आलू का पराठा और साथ में चटनी रेडी है। आप इसको केचप के साथ खाएं या जो दो चटनियां मैंने बताई हैं आपको, आप उनके साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगेगा इंशाल्लाह। और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये सब कैसा लगा, और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहम है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सब लोग, वेलकम टू सिद्रा फूड्स एंड व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे यकीनन। तो जनाब, वीकेंड एंजॉय करने में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है खाना पीना। तो आज मैं भी वीकेंड एंजॉय करने वाली हूँ, घर वाले सब इंजॉय करेंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सबके लिए पाए, बड़े पाए यानी कि बीफ फूड। तो आज हम बड़े पाए बनाएंगे, बहुत मज़े के लगते हैं, नाश्ते में तो बहुत ही कमाल लगते हैं, नान के साथ खाएं बहुत अच्छे लगते हैं। तो चले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। जितने लोग पकाने वाले होते हैं उतने डिफरेंट जायके होते हैं, हर किसी का अपना जायका और अपना स्टाइल होता है पकाने का। तो मैंने अपनी मदर को हमेशा ऐसे ही पकाते हुए देखा है और ऐसे ही सीखा है। तो चले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इंग्रेडिएंट्स किस क्वांटिटी में लिए हैं। जी पाए मैंने लिए हैं तकरीबन 1.5 किलो बनते हैं। उसके बाद प्याज मैंने लिए हैं,
ये तीन छोटे साइज के प्याज हैं, बहुत ज़्यादा प्याज इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं। लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी मैं, अदरक ख़ास तौर पे मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, तो ये तकरीबन 4 चम्मच बन जाएंगे, 4 से 5। 3 मैंने टमाटर लिए हैं। नमक हसबे ज़ायका आप इस्तेमाल करेंगे, मैंने 1 टीस्पून लिया है। मिर्च भी आप हसबे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने तकरीबन ये 3 टीस्पून लिए हैं। हल्दी है 1 टीस्पून, ज़ीरा है तकरीबन 2.5 टीस्पून, काली मिर्च है ये तकरीबन 1.5 टीस्पून है, धनिया है ये तकरीबन 2 टीस्पून है, 4 से 5 क्लॉव्स जाएंगे, 1 दालचीनी बड़ी वाली इलायची जाएगी, और 1 ये दालचीनी का टुकड़ा जाएगा छोटा सा, और ये गरम मसाला पिसा हुआ यूज़ होगा। तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं, फ्लेम ऑन करेंगे। अच्छा, मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, बट अगर आपके पास टाइम है और आप प्रेशर में यानी कि तेज़ी से नहीं पकाना चाहते, तो आप इसी प्रोसेस को किसी देगची में 2-2.5 घंटे वाले हिसाब में रख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। पाए मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिए हैं, और तकरीबन मैं इसके अंदर 1.5 ग्लास बनता है ये मैंने डाल दिया है, क्योंकि मुझे पाए काफ़ी नरम लग रहे थे इसलिए मैंने पानी ज़्यादा नहीं डाला। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा से पानी ऐड कर दूँगी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि दिस विल बी इनफ। अनियन डाल देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, और टमाटर भी आप इनको काट लें, मेरे पास फ्रीज हुए हैं, मैंने इनका छिलका भी उतार दिया है, तो ये इसी में अच्छे से गल जाएंगे। नमक ऐड करेंगे, मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा, ये बड़ी इलायची और दालचीनी, 4 से 5 जो मैंने आपको बताए थे क्लॉव्स लौंग, और धनिया पाउडर। तकरीबन मैंने सभी मसाले इसमें ऐड कर दिए, मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सब मसाले एक जैसे ही सब चीज़ों में मिक्स हो जाए। जी अब मैं इसको प्रेशर कुकर लगा दूंगी, मतलब लिड लगा दूंगी प्रेशर कुकर को। इस प्रेशर कुकर में चीज़ इतनी जल्दी गलती है कि बस ना पूछें, बहुत ज़बरदस्त। मैं ये इसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, इसकी क्वालिटी बता रही हूँ। इसको विसल आने के बाद मैं तकरीबन 10 मिनट का वेट दूंगी, क्योंकि पाए भी नरम है और ये प्रेशर कुकर भी बहुत ही एंड में इसको प्रेशर आता है, इसमें प्रेशर बनता है जब काफ़ी हद तक चीज़ बन चुकी होती है। तो मैं टोटल इसको प्रेशर आने के बाद, स्टीम आने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट का वेट दूंगी। जी फ्रेंड्स, तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं वेट को चलते हुए, अब मैं चेक करूँगी। ये ज़बरदस्त, ये तो शक्ल से ही लग रहा है कि बन गए हैं, बिल्कुल रेडी हैं। यस, आई वाज राइट, पाए बहुत अच्छे से गल गए। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला, और थोड़ी सी काली मिर्च, ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी तकरीबन 1/2 कप, क्योंकि पाए का अपना ही काफ़ी सारा ऑयल निकल आया है, उसी में भून सकते हैं, लेकिन मैं 1/2 कप तकरीबन ऐड करूँगी। ऑयल मैंने डाल दिया था, अभी ऑयल आएगा बाहर, लेकिन अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 खाने का चम्मच जो है वो सूखी हुई मेथी, कसूरी मेथी जो है उसको हाथों पे मसल के इसमें ऐड कर रही हूँ। शोरबे वाले सालन में या भुने हुए सालन में कसूरी मेथी का जो तड़का है वो आपकी सोच है कि कितना लजीज लगता है, और मेरा तो बहुत ही फेवरेट है, आप लोग भी ट्राई कीजिए, बहुत मज़ेदार लगता है। और घर के खाने में और बाहर वाले में ये फ़र्क होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी, माशाल्लाह ज़बरदस्त ऑयल निकलना शुरू हो गया और इतने अच्छे से गल गए पाए कि बस। ये मैं थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ, अब हम इसे तकरीबन 15 मिनट और भूनेंगे।
जी फ्रेंड्स, मजेदार से पाए भुन के, भुनाई इनकी जबरदस्त हो चुकी है, घी इनका निकल चुका है और स्मेल भी नहीं आ रही। भूनने का बेसिक मकसद ये होता है कि जिस स्मेल खत्म हो जाए। तो अब मैं इसमें लगाऊंगी शोरबा और ये मैंने इसमें लगा दिया पानी। आप अपने हस्ब जरूरत लगाएंगे, तो मुझे भी थोड़ा सा पतला शोरबा चाहिए। चले अब हम इसको पकाने के बाद मिलते हैं। शक्ल देखें आप कितनी मजेदार लग रही है इसकी। अब मैं इसका लेट लगा दूंगी। जी फ्रेंड्स, चेक करते हैं। मुझे जबरदस्त हो गया है ये तो। चले अब हम इसको सर्व कर लेते हैं, क्योंकि गर्मा गर्म तंदूर का नान जो है वो भी आ चुके हैं। अब हम इसे नान के साथ खाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। तो मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। जी फ्रेंड्स, मज़ेदार से बड़े पाए नाश्ते के लिए बिल्कुल रेडी हैं और बहुत मज़ेदार लगते हैं। पंजाबियों का तो खैर ये मोस्ट फेवरेट खाना है, और नाश्ते में हो तो नाश्ते में चार चांद लग जाते हैं। तो चलें अब हम जी नाज़रीन, सर्व मैंने कर दिया है। आप लाजमी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, वेरी सिंपल बट वेरी डिलीशियस। और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। मेरे चैनल सिद्रा फूड्स एंड ब्लॉग्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी कर लें। और नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर होती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सिद्रा फूड्स एंड ब्लॉग्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस तो लाजमी देख रहे होंगे और मेरा चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब किया होगा आप लोगों ने। तो आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ, जो कि बेसिकली राजस्थानी कढ़ी है जिसको बूंदी कढ़ी कहते हैं, उसके साथ मैं आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पहली जो मैंने कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी दी थी, जितनी आपने उसको उसकी हौसला अफजाई की है, यकीनन आपको ये भी पसंद आएगी। तो चलें मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। जी जनाब, कढ़ी के लिए मैंने लिया है बेसन, जो कि है तकरीबन एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी एक कप ही कंसीडर कर सकते हैं हम इन्हें। और कढ़ी के लिए लस्सी ली है मैंने, आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पर। मैंने 1 लीटर लस्सी ली है, ये नमकीन लस्सी है। उसके बाद मैंने प्याज लिया है, 2 प्याज हैं, इनको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। तो 2 टमाटर लिए हैं, टमाटर ऑप्शनल है। अगर आपकी कढ़ी या आपकी लस्सी का जो मटेरियल है, यानी कि दही है या लस्सी है, अगर वो खट्टी है तो आपको फिर ये डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर दें। अगर वो खट्टी नहीं है तो फिर आप इसको ऐड कर लें। लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन 2-2.5 खाने के चम्मच बन जाएंगे ये। और ये राई दाना है, 1.5 टीस्पून। हल्दी है 1 टीस्पून, ज़ीरा है 1.5 टीस्पून, और ये मेथी दाना है तकरीबन 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर लिया है मैंने 2.5 टीस्पून। नमक हस्बे जायका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून लिया है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। जी इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, लाल मिर्च थोड़ी सी रख लूँगी मैं, और हल्दी, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बना के रखा था, हम इसे भी इसी में ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे लस्सी। बेसन को आपने अच्छे से छान लेना है, उसमें कोई गिठली वगैरह यानी लम्स नहीं होने चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें कोई लम्स नहीं है, आप देखिए बिल्कुल फाइन सा हो गया है ये लिक्विड। अब हम बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन करेंगे कुकिंग ऑयल 1/2 कप डालेंगे,
मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रायदाना और जीरा और ये थोड़ी सी जो मैंने मिट्टी को डाल दी है। अब हम इसके साथ ही अनियन ऐड कर देंगे। जी अब मैं इसके अंदर मैंने तकरीबन 6 से 7 मेरे पास कड़ी पत्ते हैं वो मैंने डाल दिए हैं। प्याज देखिए गोल्डन नहीं हुआ है, बस हल्का सा सॉफ्टी हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी टमाटर। इसके अंदर मैंने जो बकाया हल्दी थी थोड़ी सी वो ऐड कर दी है और थोड़ी सी मिर्चें जो बचाई थी वो भी मैंने ऐड कर दी है। वैसे तो कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता, आप सारा भी उसमें डाल देते हैं डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेवी की शक्ल बड़ी अच्छी सी बन जाती है इससे। जी फ्रेंड्स मसाला अच्छे से जो है वो भून चुका है। अब मुझे इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो पेस्ट डालना है जो मैंने कड़ी का बना के रख लिया था। आप ये देखिए इसको डालेंगे हम। अब मैं इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए पकाऊंगी और इसको मैं दूसरे चूल्हे पे कर लेती हूँ और मैं आपको बताती हूँ जो मैंने इसके अंदर बूंदी बनानी है, जो बूंदी ऐड करनी है। अब हम उसकी प्रिपरेशन की तरफ चलेंगे। जी फ्रेंड्स कड़ी हमारी बन रही है तो मैंने कहा कि मैं उतनी देर तक बूंदी की प्रिपरेशन कर लूँ। तो उसके लिए नॉर्मली आप इसको सिर्फ नमक के साथ भी बना सकते हैं जिसमें आपको सब्जी या दही बल्लों में बनाना हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी करूँगी, मुझे स्पाइसी अच्छी लगती है। तो मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है मैंने, ये थोड़ा सा ज़ीरा है 1/2 टीस्पून ही तकरीबन ये ऐड करेंगे, और ये चिली पाउडर चिली फ्लेक्स हैं, अगर आप पाउडर यूज़ करते हैं आप पाउडर डाल लें, ये तकरीबन 1 टीस्पून ही बनते हैं। हम इसे ऐड कर लेंगे। जो हमारा बेसन है इसको मैंने अच्छे से छाना है और इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, पानी थोड़ा सा ऐड करके देख ले। आपको इस बेसन को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है और बिल्कुल पानी के जैसा पतला भी नहीं करना है। थोड़ा इसकी इंटेंसिटी मैं आपको दिखा दूंगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको बनाना है। आप इसको 10 मिनट तकरीबन फेंटें तो आपकी जो बूंदी है वो बहुत अच्छी बनेगी। आप इसको 10 मिनट तक किसी तरह से मिक्स करते रहिए। जी फ्रेंड्स ये बिल्कुल अच्छे से फाइन मिक्सचर हो गया है, देखिए इसको इस कंटेंसिटी में होना चाहिए, ये देखिए आप। अच्छा फ्रेंड्स आपको ऑयल को अच्छे से गर्म करना है फिर ही आपकी बूंदी अच्छी बनेगी, लेकिन ऑयल गर्म होने के बाद आपने फ्लेम जो है वो थोड़ा सा कम कर लेना है। जी बूंदी को डालते ही ना आपको फौरन से उसको सेपरेट करना होता है वरना वो आपस में जुड़ने लग जाती है। जी फ्रेंड्स मज़ेदार सी कुरकुरी सी बूंदी बिल्कुल रेडी है, बस अब हम इसे थोड़ी देर में इसके अंदर ऐड कर देंगे, देखें कितनी अच्छी बनी है। जी फ्रेंड्स कड़ी बन रही है, अब मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा धनिया ऐड कर रही हूँ जो मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से। बस अभी इसको तकरीबन मुझे 15 मिनट और बनाना है, इंशाल्लाह फिर ये बिल्कुल रेडी होगी। कड़ी मेरी बिल्कुल ज़बरदस्त हो चुकी है, कुछ मैंने इसके अंदर बूंदी डाल दी थी, अब मैं थोड़ी और डाल रही हूँ, मतलब ये बिल्कुल फाइनल है, इसके बाद मैं इसलिए बात कर रही हूँ। 5 मिनट बनाना है मुझे। जी फ्रेंड्स बूंदी की कड़ी बिल्कुल रेडी है, ज़बरदस्त है। अब मैं इसका तड़का थोड़ा सा भगा लगाऊंगी, इसका उसकी तैयारी करूँगी। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना बस थोड़ा सा, और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी मस्टर्ड सीड यानी कि रायदाना, जीरा, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने डाला है। ये हो रहा है, इसके साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे।
छिलके से साथ कड़ी पत्ते। ले जी बूंदी की कड़ी मज़ेदार सी रेडी है आपके सामने है, अब मैं आपको सर्व करते हुए मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल गर्मा गर्म बूंदी की कड़ी बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़ेदार विद राइस। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, जैसे आपका दिल करे आप खाएं, बहुत मज़ेदार है, बहुत ही लजीज रेसिपी है। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी प्लीज लाजमी कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल सिद्रा फूड्स एंड ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सिद्रा फूड्स एंड व्लॉग्स। जी जनाब, आज मैं आपके पास, आपके साथ, आपके सामने एक बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ आई हूँ अगेन, जो कि बच्चों की बहुत ही फेवरेट है। तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया है, बच्चों के लिए मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया, तो आज मैं बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार से सैंडविचेस के साथ आई हूँ। चिकन सैंडविचेस बनाएंगे आज हम। जो मदर्स मेरी तरह काफ़ी परेशान रहती हैं, बच्चों को क्या दें, लंच के लिए इश्यूज होते हैं और वैसे भी उनके खाने के लिए कुछ ना कुछ मसला बना ही रहता है, तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ। आप बनाएं सैंडविचेस, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैं आपको इसकी क्वांटिटी और इसके इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या कितने कितने क्वान्टिटी में लिया है। जी फ्रेंड्स, चिकन मैंने लिया है, ये तकरीबन 500 ग्राम्स है, बोनलेस लेना है आपने। इसके साथ मैंने थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट लिया है, थोड़ा सा ये तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है केचप है, थोड़ी सी काली मिर्च है, लाइक 1/2 टीस्पून यूज़ होगी, 1/2 टेबलस्पून हॉट सॉस है, ये नमक है हसब जायका, मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, आप जितना चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैंने बटर लिया है, मेयोनीज है तकरीबन ये बन जाता है 4 से 5 टेबलस्पून। वेजीज में मैंने ली है कैबेज ली है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, कैप्सिकम है ये तकरीबन 1.5 कैप्सिकम है, 1 कप बन जाता है, और ये प्याज है, ये 1.5 मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, ये भी तकरीबन 1 कप बन जाता है। और मैंने बच्चों की पसंदीदा चीज़ होती है चीज़, पसंदीदा चीज़ है चीज़, तो मैंने चीज़ ली है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जी फ्लेम ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन डालेंगे और इसमें 1/4 कप हम पानी ऐड कर देंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, ये तकरीबन 1 टीस्पून लहसुन बनता है, 1 टीस्पून इसको हम ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। और अब हम इसे पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे, तकरीबन 6 से 7 मिनट। जी फ्रेंड्स, इसके पानी को इसमें ड्राई कर दिया मैंने और थोड़ा सा इसको और गोल्डन होने तक करेंगे, जब तक इसका थोड़ा सा शेप चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है, मैंने कुछ नहीं डाला इसमें, ऑयल वगैरह कुछ नहीं है, बस ये इसी को इसी में बनाया मैंने और इसका बहुत अच्छे से कलर आ गया। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब आप इसको इस तरह से थोड़ा सा बारीक बारीक शेड कर लें, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं आपको इसको शर्ट करके मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, चिकन मैंने बहुत अच्छे से शर्ट कर लिया है, इसके छोटे छोटे से इस तरह से पीसेस कर लिए हैं मैंने, अब हम बाकी का प्रोसेस करते हैं। पैन मैंने ऊपर रखा है बिल्कुल 2 टेबलस्पून, जैसे 2 से 3 टेबलस्पून हम डालेंगे ऑयल के, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टेबलस्पून, बिल्कुल थोड़ा सा लहसुन है ये। जी बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल है और बिल्कुल थोड़ा सा ही लहसुन है,
अब मैं इसमें ऐड करूंगी अनियन, इनको हम सिर्फ सौते करेंगे, और इसके साथ ही मैं कैप्सिकम डाल दूंगी और अब चिकन जो मैंने शेड करके रखा है ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक और बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके फ्लेवर को तेज कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कैबेज, थोड़ी सी कैबेज ऐड करूंगी और इसको हल्का सा सारे मटेरियल को सौते करेंगे। जी फ्रेंड्स, तकरीबन सारी सब्जियां जो हैं वो सौते हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल थोड़ा सा है और फ्लेम मैंने अब बंद कर दिया है हॉट सॉस डालने के बाद। इसको मिक्स करेंगे और मैं इसे ठंडा होने के लिए दूसरे बाउल में निकाल दूंगी। जी फ्रेंड्स, अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो मैंने केचप के डाले थे वो डालूंगी और फिर उसके बाद मैं देखूंगी कि इसको अगर कैसे जरूरत और हुई तो फिर डाल देंगे। और ये मायनीज है तकरीबन 3 से 4 चम्मच, मिक्स कर देंगे। सो यम्मी, अब हम बाकी का प्रोसेस करते हैं। ये बिल्कुल रेडी है और केचप मायनीज बिल्कुल परफेक्ट है और डालने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको असेंबल करने लगी हूँ, तो उसके लिए हमें लेना है ये मटेरियल। इसको हम अच्छे से इसके ऊपर डाल देंगे। जी, ये स्टफिंग मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है। अच्छा, अगर आपके बच्चों को टमाटर पसंद है तो आप लाजमी ऐड कर लें। मेरे बच्चे निकाल निकाल के फेंक देते हैं तो मैंने ऐड नहीं किए। सारी मज़ेदार सी स्टफिंग करें इसकी और इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखते हैं। आप इसके ऊपर रखेंगे एक चीज का स्लाइस, और इसके ऊपर हम एक और स्लाइस रख देंगे। और पैन मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। थोड़ा सा बटर लेंगे, स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर अच्छे से। मीडियम रखनी है बहुत मजेदार सैंडविचेस हैं, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। जी फ्रेंड्स, अब मैंने दूसरी साइड को हल्का सा गोल्डन करना है। इंशाल्लाह जबरदस्त कलर लग रहा है। जी फ्रेंड्स, मजेदार से सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हैं। चिकन सैंडविच बच्चों को बहुत पसंद है, आप बच्चों को बना के खिलाएं, उन्हें बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। अच्छा, मैं ब्रेड्स के कॉर्नर्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकालती। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को उनके साथ ही खिलाना चाहिए आपको। जनाब, क्या मज़ेदार सा कलर है, बहुत मज़ेदार सैंडविच रेडी है। मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये बच्चों के बहुत फेवरेट सैंडविचेज होते हैं। मेरे चैनल सिद्रा फूड एंड ब्लॉग्स को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, रेसिपी के साथ हाजिर होते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़। नहीं हूँ, कुकिंग से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है मेरे साथ। जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल का नाम है फूड्स एंड ब्लॉग्स,
तो मैंने सोचा कि फूड रेसिपीज़ तो मैंने आपके साथ काफ़ी सारी शेयर कर ली हैं, अब मैं आपके साथ एक व्लॉग शेयर करती हूँ। तो मेरा आज का व्लॉग रिलेटेड तो मेरे चैनल से ही है, जैसा कि आपको पता है फूड्स एंड व्लॉग्स। तो आज मैं आई हूँ वेजिटेबल और फ्रूट्स लेने के लिए मार्केट, वेजिटेबल मार्केट आई हूँ। तो जी हाँ, गई की वेजिटेबल मार्केट। तो चले मिलके अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स खरीदते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा फर्स्ट व्लॉग भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलके वेजिटेबल्स खरीदते हैं, लेट्स गो। जी देखिए, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह यहाँ पे फ्रूट्स हैं। हम लेकिन वेजिटेबल्स की तरफ पहले जाएंगे, आफ्टर वेजिटेबल्स हम लोग फ्रूट्स। आगे हम मजीद देखते हैं। जी मुझे टमाटर बड़े अच्छे मिल गए, मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छे टमाटर हैं, क्योंकि मैं हमेशा राउंड लेके जाती हूँ, मुझे थोड़ा उनका लगता है गड़बड़ हमेशा, लेकिन ये टमाटर बहुत अच्छे हैं। इधर आके भी ऐसे होगा तो पहले 10 रुपए का माल 12 रुपए पड़ेगा, 2 रुपए कम से कम। नहीं तो कम, पहले 10 रुपए का माल 10 पड़ेगा तो कम से कम मैं कम दूंगी, 8 रुपए का। ओके 8, ये देखो ना ये सारा ऐसे आएगा, इधर भी जाएगा ऐसे आएगा। खराब होगा तो फिर खराब नहीं है, खराब नहीं है ना, वो अंदर से सारा मौसम चेंज होने में नहीं आ रहा है, बहुत जरूरी हम जाएंगे। कितना है? 1 किलो 80 का बैठा है, कम भी आता ही नहीं, 1 और का आप लोग को मिलता है। आगे चलते Thank you.
पाना मंडी में कम रेट पे एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि यहाँ के लोग पैसे बिल्कुल कम नहीं देते। काफ़ी मुश्किल हो जाता है अपनी मर्जी की चीज़ ढूंढना अपनी मर्जी के अनुसार। हम सूट और देखते हैं सारी चीज़ें मिल गई हैं जो मेरी रिक्वायर्ड थी, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत बहस करनी पड़ती है, जल्दी पैसे कम नहीं करते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान वाला इंडिया वाला सीन है कि पैसे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके आपको 1 dirham 2 dirham जो है वो कम करते हैं। बहरहाल सामान मैंने सारा ले लिया है, अब इनको पकाते हुए मिलेंगे, चलें चलते हैं घर पर। ये चाचा हैं जिन्होंने हमारे साथ बहुत हेल्प की है चीज़ें ख़रीदने में, और हमारी रेडी को ये लेके आ रहे थे, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि मैं बहुत घूमी और मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स ली, बहुत सारे फ्रूट्स लिए, और इस सारे काम में मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन ये मेरी सबसे फेवरेट शॉपिंग होती है, क्योंकि ये रिलेटेड है मेरे शौक से और मुझे अच्छा लगता है खाना पकाना, आप सबको दिखाना, सबको खिलाना। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे खाने की तरह आपको मेरे ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग, आपको कैसा लगा मार्केट जाके मेरे साथ शॉपिंग करके मुझे लाजमी बताइएगा। यहाँ के मार्केट बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत हाइजीन है, बहुत साफ़ सुथरी एक्यूरेट सब्जी जो आपको चाहिए होती है मौसम से रिलेटेड या मौसम के अगेंस्ट सब मिलती है। लाइक अभी मैंने आज जो सबसे अनएक्सपेक्टेड सब्जी ली वो थी मेथी, क्योंकि अभी इसका वेदर नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी थी फ्रेश मेथी मिल रही है, तो मैं नेक्स्ट आपके लिए इंशाल्लाह आलू मेथी की सब्ज़ी भी बनाऊंगी। तो आप लोग भी जो यहाँ रहते हैं वो तो विज़िट कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं विज़िट कर सकते वो मेरा ब्लॉग देखें, उन्हें बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छी मार्केट है, साफ़ सुथरी है, बहुत पैसे कम नहीं करते ये हर मार्केट का, हर शॉपिंग सेंटर का इशू होता है, पैसे कम नहीं करते लेकिन चीज़ अच्छी देते हैं। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप सबके कमेंट्स का वेट करूँगी कि आपको मेरा फर्स्ट ब्लॉग कैसा लगा, और अब मिलूँगी मैं आपको मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाते, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। कौन जाए।
जनाब, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप लोगों का अपना किचन सिद्रा फूड एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार खाना और बहुत ही फेवरेट खाना सबका, बहुत कम लोग होंगे जिनको ये खाना पसंद नहीं होगा, क्योंकि ये 99.9 लोगों का मोस्ट फेवरेट खाना होता है। तो जनाब, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार कड़ी के इन्ग्रीडियंट्स। जी, बेसन की कड़ी, पकौड़ा, यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। तो मैं शुरू करने से पहले आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन बेसन है, जो कि तकरीबन एक पाव ही बनता है, और ये मेरे पास लस्सी है, तो ये एक लीटर है, 2.5 चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये दो मीडियम साइज के प्याज है, ये दो टमाटर लिए हैं मैंने, और बाकी का सामान आप देख रहे हैं, पालक है, धनिया है, हरी मिर्चें हैं, और ये जनाब बहुत ही स्पेशल कड़ी पत्ता है। और जैसे जैसे अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वैसे वैसे आप देखते जाइएगा। इन चीज़ों को बनाने के लिए मैं लूंगी तकरीबन 1/2 कप ऑयल, जिससे मैं इस खाने को स्टार्ट करूंगी। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम ऑन करते हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 1/2 कप ऑयल डाल रही हूँ, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो मैंने दो मीडियम साइज के प्याज कर। जी, ये देखें मैंने प्याज इसमें ऐड कर दिए हैं, और प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। अच्छा, कड़ी बनाने के 2-3 तरीके हैं, मुझे ये ज़्यादा आसान और ज़्यादा अच्छा लगता है। एक और है तरीका, वो भी मैं आपके साथ कभी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, तो जैसे ये मैंने आपको बेसन की क्वांटिटी बताई थी कि ये तकरीबन एक पाव के करीब बेसन है, इसको मैंने एक बाउल में डाल दिया है, और इसके साथ मैंने जो आपको बताया था कि 1 लीटर मेरे पास ये है लस्सी, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, तो मिलती हूँ इसको मिक्स करने के बाद। जी फ्रेंड्स, देखें ये हल्के से गोल्डन हो गए। जब ये इस कंडीशन में आ जाए, तो आपने इसके अंदर वो जो लहसुन अदरक को पीस लिया था वो पेस्ट डाल देना है, और थोड़ा सा इसको भी काट लें। जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टमाटर जो मैंने काट के रख लिए हैं। 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, आप हसबे जायका हसबे मंशा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून में इसमें हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, अब मैंने इसमें ऐड की हैं लाल मिर्चें, ये आप 2.5 या वही आप ऊपर नीचे अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। मैंने इसमें 2.5 टीस्पून लाल मिर्च का आप पाउडर यूज़ करते हैं तो वो डाल लें, और अगर आप इस तरह से मेरी तरह कुटी हुई मिर्च यूज़ करते हैं तो ये डाल लें। अब इसको थोड़ा सा भूनें आप। जी फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले के अपनी वीडियोज़ में कि मैं लाल मिर्च का खाने में कम इस्तेमाल करती हूँ और हरी मिर्चें मैं ज़्यादा खाने में डालती हूँ, तो मैंने तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें लहसुन और अदरक के साथ ही पीस ली थी, उनका पेस्ट बना लिया था। जी, मेरे पास थी 1 लीटर लस्सी और 1 पाव बेसन, तो मैंने उनको मिक्स कर लिया अच्छे से, इसके अंदर गुठली नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, और मैंने तकरीबन उस लस्सी के साथ 1.5 लीटर पानी भी ऐड कर दिया है, जिसको मैंने इस तरह से बना लिया है मिक्सचर, और ये बिल्कुल रेडी है। जी फ्रेंड्स, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 टीस्पून साबुत धनिया, तो क्या आप कहें तो इसको थोड़ा सा कूट लें हल्का सा, क्योंकि मुझे ये साबुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे, और मेरी जो ग्रेवी है बिल्कुल बन के रेडी है, बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये लस्सी और बेसन का जो मैंने बना लिया था। फ्रेंड्स, ये देखें इसके अंदर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं सारे, और अब मैं इस में तकरीबन 1 लीटर और पानी ऐड कर दूँगी, और मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटा इसको पकने के बाद फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी कि ये कैसे। जी फ्रेंड्स, आपको कड़ी को मिनिमम 45 मिनट्स तो लाजमी पकाना है, अगर आप मतलब आपके पास टाइम है
और आप पका सकते हैं तो आप इसको एक घंटा भी बना सकते हैं। आप ये जितना आपकी कढ़ी पकेगी उतनी ही ज़्यादा इसकी जो फ्लेवर है वो इन्हेंस होगा, उतना ही वो जो बेसन का कच्चापन होता है वो नहीं आएगा। मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल पतली हो गई है दोबारा से। जब तक हमारी कढ़ी तैयार हो रही है मैं पकौड़ों की प्रिपरेशन की तरफ जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है तकरीबन एक पाव से ज़्यादा बेसन है, क्योंकि मेरे घर में पकौड़े बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। तो मैंने ये तकरीबन एक पाव से ज़्यादा बेसन लिया है, दो अनियन है, थोड़ी सी पालक है, धनिया है और हरी मिर्चें हैं। बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड होते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा। जी मैं आपके लिए अब पकौड़ों की रेसिपी के साथ आई हूँ, और पकौड़ों के इंग्रेडिएंट्स जो हैं हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, हर किसी का अपना डिफरेंट स्टाइल होता है। तो मुझे जो चीज़ें पकौड़ों में पसंद हैं वो हैं प्याज, आलू, पालक भी मैं लाजमी डालती हूँ, हरी मिर्चें और धनिया। बहुत से लोग हैं पालक नहीं डालते, बहुत से लोगों को आलू पसंद नहीं है, लेकिन मैं लाजमी डालती हूँ। और बहुत से लोग हैं जो मार्केट से बने बनाए पकौड़े भी नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ घर के पकौड़ों को, क्योंकि मेरी फैमिली को, मुझे, हम सबको घर के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो जी मैंने ये एक कटोरी तकरीबन पालक की बहुत रफली कट कर ली है, बहुत मोटे मोटे से हैं इसके पत्ते, देखे मैंने बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं काटा। और ये आलू मैंने इस तरह से 4 पीसेस एक आलू में से, और ये तकरीबन एक मीडियम साइज़ का आलू है, 2 प्याज है जैसे मैंने आपको बताया था, और ये तकरीबन 3 चम्मच होंगे धनिए के, और ये 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जी ये मैंने इसके अंदर पालक ऐड कर दी, ये प्याज, साथ में आलू, धनिया थोड़ा सा मैं रखूंगी इसमें से क्योंकि मुझे चाहिए अभी कढ़ी के लिए, और ये तकरीबन मैंने हरी मिर्चें सारी इसमें ऐड कर दी। अच्छा, सारे इंग्रेडिएंट्स आपने इकट्ठे ऐड करने हैं। अब मजीद मैं इसमें जो चीज़ें ऐड करूंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी। आपने इसमें लाल मिर्च ऐड करनी है 1 टीस्पून, आप अपनी मर्जी से बढ़ा या कम कर सकते हैं। मैं ये थोड़ी सी और डालूंगी इसमें, 1/2 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, 2 टीस्पून ज़ीरा जाएगा, और ये तकरीबन 2.5 टीस्पून के करीब साबुत धनिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जी मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, आपको थोड़ा सा पानी डालना है, एक ग्लास में या एक कप में आप पानी ले लें और उसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करें ताकि आपका जो ये बैटर है ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। ये देखिए मैंने इसके अंदर बिल्कुल स्लोली पानी ऐड किया था, तो ये इस तरह से इसकी बैटर की शक्ल, जो पेस्ट बना है इसकी शक्ल हो गई है। बैटर बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी और तब तक हमारी कढ़ी भी बन रही है। तो अब इनको पकौड़ों को फ्राई करते हुए मिलते हैं आपसे। पैन मैंने रख दिया है, अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। अच्छा, आप पकौड़े चाहें तो थोड़ा कम ऑयल, लाइक तवे पे भी बना सकते हैं, कुछ लोग तवे पे बनाना जानते हैं। अच्छा, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, वरना आप जैसे ही इसमें पकौड़े डालेंगे वो बगैर पके चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल हल्का सा ऑयल गर्म हुआ था, मैंने इसमें पकौड़े डाल दिए। आप चम्मच की मदद से भी बना सकते हैं, मैं आपको उससे भी बना के दिखा देती हूँ। जी इस तरह से आपने बैटर लेना है और दूसरे चम्मच की मदद से आप इसको ये देखिए एक साइड मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन सी कर ली है, लाइट सी वो पूरी तरह से बनी है, तो मैंने इनको पलटा है। आप भी थोड़ा वेट करें और इनको पकने दें, जब ये पकेंगे तो ये फिर बन जाएगा। ये देखिए जनाब कितना ज़बरदस्त घी निकल रहा है और अपने जोश और खरोश से खूब बन रही है हमारी कढ़ी। मैं यहाँ पे इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, ये बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे, आप लोग भी लाजमी ऐड करें। इसको थोड़ा सा हाथों पे मसल लें ताकि इस तरह से इसकी शक्ल हो जाए। आप इसको मिक्स कर दें, थोड़े भी अपने मसल आबुदाब से बन रहे हैं।
जी फ्रेंड्स, मुझे तकरीबन 1 घंटा 10-15 मिनट हो चुके हैं और मेरी कढ़ी बिल्कुल रेडी है, ये देखें। तो इसमें मैं अब पकौड़े ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि पकौड़ों के साथ थोड़ी बनाएंगे, थोड़ा पकाएंगे इसे, ताकि जो पकौड़े हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर लें और फिर हमें पता चले। ये देखें क्या खूबसूरत कलर पकौड़े, देखें बहुत अच्छे। और अब मैं इसको थोड़ा सा पका लूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ इसके तड़के के साथ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो जो ये खाना देख रहे हैं उनको मैं बताऊं, दिस इज़ द लास्ट सेशन। तड़का तैयार है, लहसुन ये लिया है मैंने तड़के के लिए, लहसुन लिया है, ये तकरीबन 5 से 6 जवे हैं, ये 1.5 टीस्पून ज़ीरा है, ये कड़ी पत्ता है और ये थोड़ी सी लाल साबुत मिर्च है। तो चलिए अब तड़का स्टार्ट करते हैं। तड़के के लिए मैंने कुकिंग ऑयल अलग से नहीं लिया, जो पकौड़े बनाए थे उसी का ऑयल बचा था, उसमें मैंने ये लहसुन डाल दिया है। तो हल्का सा आपने, जैसे ही कलर चेंज होने लगा है, आपने इसमें जीरा डाल देना है फौरन, थोड़ा सा इसको भी आप पकने दें, रोस्ट करने दें। इसके साथ ही हम डाल देंगे ये मिर्चें, ये साथ साथ इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि फिर लहसुन ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जी, अब हम इसमें डाल दूँगी कड़ी पत्ते के लीव्स वगैरह, देखिए क्या खूबसूरत कलर है और रंग जायका खुशबू बहुत ही कमाल। देखें लाइट सा हो गया है लहसुन का कलर, तो ये तड़का बिल्कुल रेडी है। जी नाज़रीन, खाना बिल्कुल रेडी है और मैंने सर्व कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट डिश के लिए अल्लाह हाफिज़।